यहाँ पे कोई खास लाहौर पे नजरे करम होगी इस साइड पे। ये जी एंट्रेंस, एंट्रेंस तो इसकी यस हो गई है। ये जी एलिगेंट स्मॉल की साइट है और ये बिल्कुल साथ हमारा ऑफिस है, तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आया अलवेज ग्रुप का। Assalamualaikum जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी और मैं हूँ जिशान रसूल, एक नए दिन के साथ और रमजान के पहले रोजे के साथ। और आज पहला ऐसा व्लॉग होगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दूंगा। यार देखो, मैंने सोचा है, अभी तक मैंने सोचा है कि मैं रमजान के 30 दिन 30 व्लॉग्स करूंगा। कितना कामयाब होता हूँ कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इन 30 दिनों में मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताऊंगा। आवाज से आपको पता लग रहा होगा कि भाई अभी थोड़ा सा लेट उठा है, सही है, और रोजा भी है तो ठीक है, पानी का जो है इंटेक कम हुआ हुआ है। खैर जी, ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सही है, इबादत करनी चाहिए, हर चीज बहुत जबरदस्त होती है इस महीने के अंदर। वैसे ही हर तरफ जो है ना थोड़ी सी वो खुशी की लहर दौड़ रही होती है, तो मैं तो इस महीने को एंजॉय करता हूँ। और अगर मैं रियल स्टेट के हवाले से बात करूं तो रियल स्टेट के अंदर रमजान को थोड़ा सा लो कंसिडर किया जाता है कि रमजान के अंदर सेल्स कम हो जाती है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कारोबार के अंदर जो भी रमजान गुजारे हैं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह वो महीने मेरे लिए अच्छे ही रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज अल्लाह आपके लिए जरूर निकालता है जिसके अंदर आपको अच्छे रिस्क भी मिलता है, ठीक है, और क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली फॉल करते हैं। खैर, अभी सीन ये है कि इन 30 दिनों के अंदर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशन, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में बताता चलूं, और जो नई ऑफर्स आ रही हैं उसमें भी इजाफा करते रहे। कल यार हमने ऑफर दी थी, ठीक है, रमजान शुरू होने से पहले पलवन कोर्टयार्ड की डॉक्टर सुबेल साहब ने दे दी कि 5 लाख के साथ आप कुछ भी बुक कर लें। हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अर्बन सिटी की हमने दे दी कि जी 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑन एनी बुकिंग 3 मरला और 5 मरला अनलिमिटेड बुकिंग्स तक आपके लिए वैलिड है, आए मेरे से फाइल लें, 5 किस्तें मैं दूंगा। यही चीज अब मैं आपके लिए लेके आने लगा हूँ जी District 1 लाहौर के अंदर, सही है, District 1 लाहौर के अंदर भी मैं सेम ऑफर देने लगा हूँ। 5 किस्तें मैं पे करूंगा, सही है, 3,30,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट करनी है, 22,000 रुपए की 5 किस्तें, अच्छी खासी अमाउंट बनती है ये, मैंने आपको फ्री में देनी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए रमजान के पहले रोजे के ऊपर एक और सरप्राइज गिफ्ट कह लें। यार देखो, मुझे भी सेल्स मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, इट्स अ टू वे, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके आप लोगों के साथ रमजान में डील करना चाहता हूँ। देखो, बाकी पूरा साल भी पैसे कमाते हैं, इस महीने भी कमाएंगे, थोड़े कम कमा लेंगे, क्या पता ज्यादा भी कमा लें, अल्लाह को पता है, लेकिन मेरी कोशिश आपके लिए यही है जो मैं करूंगा, तो बाकी आपकी चॉइस है। खैर अभी निकलते हैं, मैं कोशिश करूंगा, District 1 वाली साइड पे भी मैंने जाना है तो आपको विजिट भी करवाता जाऊंगा कि करंट अपडेट सिनेरियो क्या है। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ, एक दोस्त आ रहा है, उसको ये फाइल बेची हुई है तो उसको डिलीवरी देनी है, तो आई एम आउटसाइड लेक सिटी। और मजे की बात हो, ये सामने रोड चेक करो, ये आप लोग देख रहे थे काफी अरसे से बन रहा था, अब ऑलमोस्ट जो है ना ये वाला रोड लेफ्ट साइड वाली जो है ये लेक सिटी के आगे तक कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो रायवेंड से इस साइड का रोड आ रहा है ना वो अभी थोड़ा रहता है, तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगा। खैर निकलते हैं। अच्छा जी, तो खैर अब हम चलते हैं District 1 लाहौर की तरफ, और ये रहा जी AWT Phase 2। अड्डा प्लॉट से वैसे तो आते हैं, लेकिन रायवेंड रोड से डायरेक्ट AWT के अंदर से होते हुए भी आप जाती हूँ मेरा रोड पे जा सकते हैं अड्डा प्लॉट को स्किप किए बगैर, मैं भी फिलहाल यही रूट यूज कर रहा हूं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता चलूं, सम फैक्ट्स अबाउट जाती उमरा रोड। एक तो यार देखो, नून लीग की गवर्नमेंट चल रही है, CM जो है वो वैसे भी बाजी है, ठीक है, तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये जो रोड है ना जाती उमरा रोड, इसके ऊपर कोई खास डेवलपमेंट्स जो है ना एक्सपेक्ट की जा सकती हैं कि यहाँ पे कोई खास लाहौर पे नजरे करम होगी इस साइड पे। यहाँ पे पहली बात तो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज है ना, अभी आप देखोगे मेरे राइट पे ये बीकन हाउस चल रही है, AWT Phase 2 से हम निकले, आगे ये आ जाएगा फिर से AWT Phase 2, सही है, तो ये सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पे, ये तीन तो शुरू शुरू में ही आ गए आपके, फिर आप आगे जाते हैं तो मेडिकल सिटी आ जाती है, उससे पहले वो ये J5 रिजॉर्ट आ गया, सही है, अभी इसके ऊपर फार्म हाउसेज हैं, फार्म हाउसिंग की कटिंग है जहां पे आपके पास मेजरली बड़े ऑब्वियसली बात है प्लॉट है, छोटे नहीं है, ये जितनी ये सोसाइटियां थी इसके अंदर भी कोई छोटा प्लॉट नहीं है,
मेरा ख्याल है 10 मरला 5 मरला को लीस्ट जो कैटेगरी अगर अवेलेबल होगी ना इस रोड पे वो है, जिसके अंदर बेरी ऑर्चर्ड आ जाता है आगे शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ ना। तो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे बड़े प्लॉट्स हैं, यहाँ पे कोई छोटी हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी और जरूरत इस रोड पे है। क्यों है यार, ये देखो ये रोड है, आप प्राइवेट रोड पे भी ट्रेवल करते हो तो इतना खुला रोड नहीं है, ठीक है, ये वन वे रोड है, ठीक है, वो दूसरी साइड चल रही है रोड की, तो ये बड़ा मजेदार सा रोड है। ये चेक करेंगे फार्म हाउस आ गया तो, और यहां से बिल्कुल सीधा जाते थे तो आगे आएगा अड्डा माल, अड्डा माल से अगर आप राइट टर्न करते हैं तो आप मुल्तान रोड की तरफ निकल जाते हैं, और अगर आप वहां से लेफ्ट टर्न करते हैं तो हार्डली 200 या 300 मीटर के ऊपर आगे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसकी एक अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जब इस तरह की चीजें एक सराउंडिंग में हो और वहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा हो यार 3 मरले के प्लॉट का, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसकी शॉर्टेज भी है, लोगों की जरूरत भी है, और मेरा ख्याल है कि रेट सुपर चले जाएंगे और बहुत अच्छे जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल नहीं है, खैर मेरा यकीन है इस बात पे कि इस रोड की जो प्रोग्रेस होगी एज कम्पेयर टू राइवेट रोड वो ज्यादा होनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सही है, ये काफी जगह से लिंक भी करती है राइवेट रोड से, मतलब AWD से हो गया, ये आगे एक और रास्ता है बीच में सरकारी, उससे भी लिंक होती है, फिर आगे एंड में जाके मल से आप लेफ्ट हो जाए फिर भी आप राइवेट रोड की तरफ चले जाते हैं। तो समहाउ यहाँ पे मुझे लगता है कि राइवेट रोड पे ज्यादा छोटी सोसाइटीज ने कब्जा किया था, तो इस साइड पे बड़ी सोसाइटीज आएंगी, बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि नजर भी आता है कि बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया टाउन का मेन जंक्शन वो भी यहीं पे, मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये आ गया जी शरीफ मेडिकल सिटी रोड, और ये आ गया जी जाति उमरा फार्म हाउसेस। सही है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई है यहाँ पे, जंगले शंगले लगे हुए हैं, गुड सीन है, लेकिन हम शुक्र ये अदा करते हैं कि इस दफा कोई इस तरह का सीन नहीं है कि हमें यहाँ पे आके डाइवर्ट कर दिया जाए। सही है, मेरा ख्याल शायद अंदर कोई होगा भी नहीं आजकल, इसलिए भी होगा, लेकिन इसके बिल्कुल कॉर्नर पे ये आपके पास जो है ना आ जाता है बहरिया टाउन। ये मैं आपको दिखाता हूँ बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड। ये देखिए, ये बहरिया ऑर्चर्ड की दीवार स्टार्ट होगी, उसका गेट आ गया है बहरिया ऑर्चर्ड LCO Phase 2 Gate 6, ये रहा। सही है, और इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखेंगे तो ये कुछ अर्सा पहले हम उतार थे, जंक्शन बन रहा है, अब ये जंक्शन बन चुका है, ये 7 बहरिया टाउन है। सही है, अभी थोड़ा सा आगे हम फिर जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट 1 से पहले एक और बैरियर टाउन का गेट भी आ रहा है, जो कि सीधा वो गजनवी ब्लॉक और टीपू ब्लॉक से जो रोड स्ट्रेट आ रहा है ना आगे खत्म हो जाता है, वो वही वाला रोड है, और आगे भी फजाइया भी आएगा। खैर यहाँ से आगे जो रोड है ना थोड़ा सा ये बनने वाला है, तो यहाँ पे ये 2-वे ट्रैफिक होती है, लेकिन ये भी अनकरीब जो है राइट साइड वाला रोड भी बन जाएगा। अच्छा जी, ये देखें जी, ये आ गया बैरियर टाउन का एक और गेट, जो मैंने आपको बताया कि सीधा जो है ना टीपू ब्लॉक और गजनवी ब्लॉक में जाना है। वेरी गुड यार, इसने रास्ता जो है ना आप लोगों का व्यू खराब किया, दोबारा देख लो ये रहा। खैर ये आ गया जी फजाइया हाउसिंग, ये बिल्कुल लेफ्ट पे और इसके बिल्कुल साथ डिस्ट्रिक्ट 1 आ जाएगा। ये आपको दिखाते हैं जी फजाइया, ये राजी फजाइया, फजाइया हाउसिंग Phase 2। यार अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी कॉरपोरेटिव में काम करती है ना तो वो फजाई गई है, कॉरपोरेटिव के अंदर इन्होंने प्राइवेट वाला सीन लगा हुआ बहुत जबरदस्त। खैर हम लोग पहुंच चुके हैं जी डिस्ट्रिक्ट 1, और यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ 4-5 घरों की डिगिंग स्टार्ट हुई थी लास्ट टाइम जब मैं आया था, तो अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं अगर वो काम चल रहा था। ये जी एंट्रेंस तो इसकी यस हो गई है, आगे देखते हैं। डिगिंग तो जी माशाल्लाह 3 प्लॉटों की स्टार्ट हुई है, वो एक राइट साइड पे है, एक ये है, ईंटे भी आ गई हैं, और एक ये रहा। सही है, काम तो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है घरों का, ये 3 घर स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे जो टोटल इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पे कोई 14 घरों के मैप अप्रूव हुए हैं, और यहाँ पे 14 घर स्टार्ट हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली बात है बहुत ही ज्यादा आएगा इस ब्लॉक पे। तो ये ए ब्लॉक है, ये इसका छोटा पार्क है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट 1 ने ना डेवलपमेंट ओवरऑल में अगर देखो ना तो टाइम पीरियड इन्होंने बड़ा कम लिया है, उस लिहाज से इन्होंने ठीक प्रोग्रेस की है, क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर ही इन्होंने इतना काम किया, बाकी सोसाइटीज 4-4, 5-5 साल डिलीवर नहीं करती। और अभी जो नई बुकिंग है 3,30,000 वाली, जिसमें आपका भाई आपको 5 इंस्टॉलमेंट फ्री भी दे रहा है 3,30,000 के साथ, वो बुकिंग का भी हमने सुना है कि विद इन 1 ईयर ये लोग जो है पोजेशन दे देंगे, और एज फार एज आई नो उसकी लोकेशन कुछ इस साइड पे आएगी, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे। खैर ये सारा जो है डेवलप हो रहा है, ये सारा डेवलप हो ही जा रहा है, और ये बोर्ड शोट भी लगे हैं 22,000, दरख्त भी सही लगा दी है,
अपना टेक केयर तो कर रहे हैं यार सोसाइटी की, सही है। अभी रमजान भी है तो ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट इस महीने तो स्लो ही रहेगी। ये देखें ये मस्जिद की साइड भी मेंशन कर दी गई है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें मेरा ख्याल है बहुत स्पीड अप कर जाएंगी नेक्स्ट मंथ में। तो खैर ये ऑफर मैंने तो आपको इसी महीने देनी है, अगले महीने की अगले महीने देखेंगे। मेरा ख्याल है इतना ही टूर काफी है, आप लोगों को बेसिक्स बता दी है, रोड भी समझा दिया हुआ। अभी मैं फिलहाल निकलता हूँ, काम है मुझे बहुत ज्यादा और ऑफिस से मैं लेट हूँ, तो चलें जी ऑफिस चलते हैं। ये स्टंट मैन चेक करें आप, फुल हैवी बॉय जा रहा है ना, मोटरसाइकिल की भी ब्रेकें लग रही है ना, कोई और सीन है, फुल इंजॉय कर रहा है लड़का। ये इसी तरह के पड़े होते हैं साइड पे, वो जो नाले के साथ नहीं पड़े होते कच्चे में, ये वही है। तो मुझे लग रहा है रमजान ऑफर को इधर भी शुरू हुई है, जितना रश इस पेट्रोल पंप पे चल रहा है ना, इधर भी लगता है मुझे पेट्रोल सस्ता कर दिया इन्होंने, एक रुपए को रमजान ऑफर आ गई है। खैर जी ये देखें ये बैरिया टाउन का गालिब ब्लॉक, ये बिल्कुल शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ से एक रास्ता अंदर जा रहा है। अभी इन रस्तों के ना कनेक्शंस बेसिकली नहीं बने हुए पीछे तक ना, ये इनिशियल ब्लॉक्स यहाँ से बन गए हैं, लेकिन अभी पीछे जो है ना टाउन के साथ इनका कनेक्शन पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने भी यहाँ से बैरिया टाउन के अंदर जाना हो तो हम लोग सुई गैस वाला रास्ता यूज करते हैं। ये शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे सुई गैस सोसाइटी आएगी, वहां से हम सीधा जाएंगे तो हम एंटर हो जाएंगे जी बैरिया टाउन, वो टीपू ब्लॉक वाली साइड से। अच्छा जी तो ये है सुई गैस हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ से अब हम सीधा अंदर जाएंगे टीपू ब्लॉक की तरफ। यहाँ पे भी माशाल्लाह से यार घर शहर आप चेक करो कितने बेहतरीन बन गए हैं। किसी दिन इस सोसाइटी को भी एक्सप्लोर करके आपको यहाँ के रेट्स के बारे में बताते हैं। मुझे ये पर्सनली बड़ी पसंद है सुई गैस, क्यों? क्योंकि यार देखो यहाँ पे ना एक तो प्लॉट प्राइसेस बड़ी मुनासिब है, दूसरे बैरिया के बिल्कुल साथ। अब ये घर चेक करें, जिस बंदे ने ये घर बैरिया टाउन में बनाना था उसने आधी कीमत में ये घर यहाँ पे बनाया होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्लॉट यहाँ पे बैरिया की हाफ प्राइस पे ही है। तो मेरा ख्याल है कि फार्म हाउसेस के लिए इस तरह की ही जगह होती है। खैर अगर आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं तभी ये, अब देखें आप इतनी सारी आबादी होगी है सोसाइटी में, और एक जमाने में यहाँ पे ना मतलब मुझे 40-40-50 लाख रुपए का किनाल मिला करता था, जब बैरिया में तब भी कोई करोड़ से ऊपर ही होता था, 1.5-1.5 करोड़ का किनाल होता था, लेकिन हम नहीं लिया, बेवकूफ थे। तो खैर अभी यहाँ पे रेट्स ऊपर गए हैं, अभी इतने नहीं गए, तो किसी दिन आते हैं यहाँ पे भी आपको चक्कर लगवाते हैं। यार ये मजे का सीन चेक करो कि सुई गैस के इस ब्लॉक में घर लो तो वो सामने आपको आईफल नजर आ रहा होगा, तो आप यहाँ से आईफल व्यू घर बना सकते हैं, अपनी छत से रात को जो है ना बैरिया की आईफल के मजे ले सकते हैं, और घर आपने लिया होगा सुई गैस में, कैसा मजेदार सीन है। मतलब बैरिया में आपको आईफल व्यू घर अच्छा खासा महंगा मिल रहा होगा, और ये सुई गैस में आप आगे ले लें कोने वाला प्लॉट और आप आईफल व्यू एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली जी वी आर इन बैरिया, और ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ लेफ्ट साइड पे डॉक्टर सुबैया अली ग्राम वाले जो पर्ल वन कोर्ट यार्ड है, अथर एसोसिएट का जो बैरिया प्राइम है वो यहाँ पे आ रहा है, और ये रोड सीधी हम सुई गैस से आए हैं। जाती हूँ मेरा रोड से जहां से मेंटर हुए वो जिस राउंड अबाउट पे निकलती है, उसी राउंड अबाउट पे आपका मेन कमर्शियल हब अपार्टमेंट्स का बन रहा है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये सिनेमा आ गया बैरिया का, यहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे तो आप न्यू लाहौर सिटी में चले जाते हैं, तो न्यू लाहौर सिटी भी इसी के साथ है। यहाँ से आप सीधा मुल्तान रोड निकल जाए और ये अब सीधा हम जाएंगे बैरिया ग्रैंड मॉस्क की तरफ जहाँ पे हमारा ऑफिस है। ये जी एलिगेंस मॉल की साइट है और ये बिल्कुल साथ हमारा ऑफिस है, तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आया अलवेज ग्रुप का, तो इनकी भी रेपुटेशन एज इन हाई राइज बेहतर है बैरिया में, इसको भी किसी दिन आके जो है ना देखते हैं। खैर फिलहाल तो हम पहुंच गए हैं ऑफिस, और पार्किंग 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 ये मिल गई थोड़ी बहुत चले। हाँ जी तो खैर हम लोग ऑफिस पहुंच गए हैं भाईजान, मैंने करना है अब अपना काम धंधा, तो आप लोग करें आराम और होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। आज आपको दिखा दिया डिस्ट्रिक्ट वन, कल मैं आते हुए आपको कोई और सोसाइटी दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इस रमजान आपको 30 सोसाइटियां दिखा दूं, वादा नहीं है। देखो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन एक कोशिश है जो मैं करूंगा, एटलीस्ट अगर 30 सोसाइटियां नहीं दिखाऊंगा तो 30 ऐसी इंफॉर्मेशन आपको जरूर दूंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत फायदा हो। खैर अब आपने याद रखना है कि आपके पास ऑप्शंस हैं अर्बन सिटी लाहौर, डिस्ट्रिक्ट वन लाहौर, कोई भी प्लॉट लें 3 मरला या 5 मरला हमसे, और हम आपको पहली 5 इंस्टॉलमेंट फ्री देंगे। अगर बचत कैलकुलेट करनी है तो आपको एंड पे करवाता जाता हूं, 22,000 के लिहाज से अगर आप 5 इंस्टॉलमेंट्स हमसे पे करवाते हैं तो दैट इज 22,000 × 5
110,000 रुपए का डिस्काउंट हो भाई, बहुत ज्यादा होता है ठीक है। 225,000 वाली अर्बन सिटी की फाइल पे आपको आप सेव कर सकते हैं जी 42,500, और 5 मरला की अर्बन सिटी की फाइल पे आप सेव कर सकते हैं 67,500। और क्या चाहिए, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।